लंग्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्परेटरी सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम के जो मुख्य जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो लंग्स हैं टू लंग्स दो लंग्स होते हैं राइट लंग एंड लेफ्ट लंग राइट साइड में राइट right लंग है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग lung है लंग्स आर लोकेटेड विथ इन तोराजिकविटी तोराजिक कैिटी के अंदर चेस्ट कैिटी के अंदर उपस्थित है या सिटुएटेड है लंग्स एंड ऑन आइडर साइड ऑफ द हार्ट हार्ट के दोनों साइड में थोड़ा सी के अंदर मौजूद है लंग्स राइट लंग इज स्लाइटली बिगर राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा आ, बड़ा है और हेवियर भी है हेवी भी है द लंग्स टुगेदर वे अबाउट वन किलोग्राम्स दोनों लंग्स मिला के ये लगभग एक वन पॉइंट थ्री के जी वेट होते हैं इनकी राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट लोब्स राइट लंग तीन डिफरेंट लोब्स में या देखिए तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड उसमें जो लोब्स है एक है सुपीरियर लोब या अपर लोब दूसरा जो है मिडिल लोब एंड तीसरा जो लोब है वो है इनफीरियर लोब तो डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें ये सुपीरियर लोब और मिडिल में मिडल लोब और जो सबसे नीचे जो है वो इन्फीरियर लोब है तो वैसे लेफ्ट लंग में एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब है दो ही लोब है सो so, राइट लंग में थ्री लोब्स है सो सुपीरियर लोब मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू टू टू लोब्स लेफ्ट लंग दो लोब में डिवाइडेड है सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब है लंग्स पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है ट्रकिया भी ब्रोंकस भी ब्रोंक्यूल्स भी लंग्स भी ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट है एंड इट बिगिन एट द ट्रकिया एंड ब्रांचेस टू फॉर्म ब्रोंकई एंड ब्रोंकिूल्स जैसे ये लोअर रेस्परेटरी ट्रैक्ट एज आई सेड ये ट्रकिया से स्टार्ट हो रहा है ट्रकिया के बाद वो दो ब्रोंकई में डिवाइड हो रहा है राइट ब्रोंगही लेफ्ट ब्रोंकई फिर से कई बार वो डिवाइड होके के bronchioles बन जाते हैं और ये सब लंग्स के अंदर प्रवेश करते हैं राइट ब्रोंकस राइट ब्रों राइट लंग के अंदर और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग के अंदर और वो उसके अंदर जाके वो प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शरी ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स ये सब डिवाइड होके छोटे छोटे एयर पैसेजेस बन जाते हैं द ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स रेस्पिट्री ब्रोंकिल्स और फाइनली एलवियोलाई में हवा पहुँच जाते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर uh, में गैसेस एक्सचेंज विल टेक प्लेस एट द रेस्परेटरी ब्रोंक्यूल्स एलविडा और एलवीओलाई तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था रेस्परेटरी ब्रोक्यूल्स में और एलबी डक्स में और एल में गैसेस एक्सचेंज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की द लंग्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मिलियन एल जो लंग्स में लगभग तीन सौ से पाँच सौ मिलियन एल इस प्रकार के एल्वियोलाई देखने को मिल सकता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स है वो लंग्स आर नॉर्मली कॉन शेप्ड ये लंग्स के जो शेप है कॉनिकल शेप्ड है एंड इट हैज एन अपेक्स उसको एक अपेक्स है बेस है कॉस्टल सरफेस है एंड मीडियल सरफेस है देखते हैं उनके सब सरफेस के बारे में पहले अपेक्स अपेक्स इज अपर राउंड पार्ट ऑफ द लंग लंग के अपर राउंड पार्ट ऑफ द लंग इस पार्ट को अपेक्स कहते हैं दिस इज अपेक्स अपेक्स अपर राउंड पार्ट ऑफ द लंग लंग एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द रूट ऑफ द नेक रूट ऑफ द नेक बेस ऑफ द नेक तक नेक के बेस तक वो एक्सटेंड कर रहा है रूट ऑफ द नेक तक सो so, इसके जो बेस है बेस इज द कॉन्केव शेप्ड है कॉन्केव्ड शेप्ड है लोअर पार्ट ऑफ द लंग है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉन्केव्ड शेप्ड इस प्रकार की कॉन्केव शेप्ड है और वो लंग के बेस है और लोअर पार्ट है एंड इट लाइज ऑन द थ्रासिक सर्फेस ऑफ द डायफ्राम डायफ्राम के ऊपर है यहाँ पे डायफ्राम है डायफ्राम के ऊपर की जो ऊपर वाले सरफेस को थोरासिक सरफेस कहेंगे और नीचे अपडिनल सरफेस है तो ये जो बेस है ये बेस डायफ्राम uh, के थोरासिक सरफेस के ऊपर अपर सरफेस के ऊपर मौजूद है सो so, अपेक्स हो गया बेस हो गया और नेक्स्ट है कॉस्टल सरफेस सो कॉस्टल सरफेस इज़ कॉन्वेक्स टेप्ड है एंड दिस इज़ द लेटरल पार्ट ऑफ़ द लंग तो ये कॉन कॉन्वेक्स शेप्ट इस प्रकार की कॉन्वेक्स शेप है और ये रिब्स जहाँ पर रिप्स आके अटैच हो रहा है रिप के साथ अटैच होने वाले ये जो सरफेस है कॉस्टल सरफेस कॉस्टल इसलिए कहते हैं बिकॉज रिप को कॉस्टल ही कहते हैं कॉस्टल का मतलब रिप्स है रिब्स के साथ अटैच होने वाले रिप्स के नज़दीक मौजूद uh, जो सरफेस है इस सरफेस को इस पार्ट को कोस्टल uh, सरफेस कहते हैं एंड इट लाइज क्लोज टू द रिप्स कोस्टल कार्टिलेज एंड इंटरकोस्टल मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स कोस्टल कार्टिलेज और रिप्स के नज़दीक रहते हैं इसलिए इसको कोस्टल सरफेस कहते हैं देन मीडियल सरफेस मीडियल मीन्स मिडिल सरफेस या अंदर के एरिया सो मीडियल सर्फेस इज़ अ कॉन्केव शेप्ड पार्ट है एंड इट इज इज रफली ट्राइंगर एरिया वहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको हाइलम कहते हैं तो अब देखते हैं कोस्टल सर्फ मीडियल सरफेस ये है मीडियल सरफेस ये <coughs> अंदर की जो सरफेस को मीडियल सरफेस कहते हैं और यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड एक एरिया है जिस एरिया को हाइलम कहते हैं हाइलम एंड ये हाइलम के थ्रू वेरियस स्ट्रक्चर्स लंग्स के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ से निकलते भी हैं सो देर आर मेनी स्ट्रक्चर्स दैट एंटर एंड लीव दंग एंड दाइलम एंड uh, जो स्ट्रक्चर्स इस हाइलम के थ्रू प्रवेश और निकास कर रहा है एंटर और एक्सिट कर रहा है उसमें आ रहा है ब्रोंकस राइट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकस पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स और ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकियल वेन्स लिम्फ वेसल्स नर्व्स ये सब इनकी एंट्री या एक्सिट इस हाइलम पे हो रहा है या ये मीडियल सरफेस से हो रहा है एंड एरिया बिटवीन द लंग दो लंग के बीच के जो एरिया को मीडिया स्टाइनम कहते हैं so, मीडिया स्टाइनम कंटेन्स हार्ट है उस मीडिया स्टाइनम में एंड ग्रेटर ब्लड वेसल्स आयोटा हो ट्रंक वगैरह भी है ट्रकिया है ब्रोंकाई है ईसो फैगस है और लिफ वेसल्स नर्व्स ये सब इस मीडिया स्टाइनम में मौजूद है मीडिया इस uh, डाइग्राम में देखें तो इस एरिया ये दोनों लंग के बीच के जो एरिया उसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं और इस मीडिया स्टाइनम में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमने देख लिया नेक्स्ट है प्लूरा प्लूरा ये है लंग के कवरिंग सो लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरा जो लेयर्स दो लेयर्स लंग्स को कवर कर रहा है तो उसको प्लूरा कहते हैं इट इज़ अ क्लोज सैक ऑफ सीरस मेमब्रेन सीरस मेम्बरेन से बना हुआ ये कंप्लीटली कवर्ड एक सैक है ये थैली जैसा स्ट्रक्चर है इट कंटेन्स फ्लोरल फ्लूड उसमें के अंदर फ्लोरल फ्लूड मौजूद रहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स उसमें दो लेयर्स है सच सचास विसरल फ्लोरा एंड पराइटल फ्लोरा विसरल फ्लोरा एक लेयर जो अंदर की लेयर है जिसको विसरल फ्लोरा कहते हैं दूसरा बाहर के जो लेयर जिसको पराइटल फ्लोरा कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कवरिंग को फ्लोरा कहते हैं तो ये कवरिंग एक आउटर कवरिंग है और एक इनर कवरिंग है अंदर का अंदर की कवरिंग तो यहाँ पे तो अंदर की कवरिंग को विसरल प्लूरा कहते हैं और बाहर वाले जो कवरिंग है उसको पराइटल प्लूरा जो बाहर की जो कवरिंग पराइटल प्लूरा और अंदर की जो कवरिंग जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं तो एंड विसरल प्लूरा इज द इनर लेयर विसरल प्लूरा इनर लेयर है विच इज़ अर टू द लंग इट सेल्फ लंग के टिश्यूज uh, से अटैच्ड है वो अंदर की लेयर एंड वो विसरल प्लूरा है और पराइटल प्लूरा इज द आउटर लेयर ये आउटर लेयर है बाहर की लेयर है एंड इट इज अटैच टू द वॉल ऑफ दज थोरासिक जो चेस्ट केज है जो चेस्ट के वॉल है तो उससे अटैच्ड है ये आउटर लेयर एंड दिक्रीट फ्लोरल फ्लूड ये दोनों लेयर फ्लोरल फ्लूड सिक्रीट करते हैं एंड विच प्रिवेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लोरा ये दोनों इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस है जिसको प्लोरल स्पेस या कैविटी कहते हैं उस फ्लोरल कैविटी में प्लोरल फ्लूड रहेगा और वो जब लंग एक्सपैंड और रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण तो उस फ्रिक्शन उस को रोकने में मदद करते हैं नेक्स्ट है प्लोरल कैविटी सो प्लोरल कैविटी इज द पोटेंशियल स्पेस या स्पेस बिटवीन दराइटल लेयर एंड विसरल लेयर पराइटल लेयर और विसरल लेयर अंदर के जो लेयर जिसको विसरल लेयर और बाहर के जो लेयर जिसको फराटल लेयर कहते हैं इन दोनों के बीच के स्पेस को प्लूरल कैविटी कहते हैं एंड इस फील्ड में तीन लेयर ऑफ सीरस फ्लूड सीरस सीरस फ्लूड एक सीरस मेम्ब्रेन है दोनों एंड इस सीरस मेम्ब्रेन द्वारा सिक्रिएट करने वाले फ्लूइड को सीरस फ्लूड कहते हैं या यहाँ पे प्लोरा में है तो इसलिए फ्लोरल फ्लूड भी कहते हैं ये लगभग टू एम रहते हैं द द्लोरल फ्लूड इज सेक्रेटेड बाई द फ्लोरा ये प्लोरा द्वारा सेक्रेट करने वाले फ्लूड है फ्लूड प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग के दौरान इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो लंग्स जब एक्सपैंड और रिक्वेल होते हैं करते हैं रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त फ्रिक्शन ना हो तो उसमें ये मदद करते हैं द फ्लूड ऑल्सो हेल्प्स द लेयर्स ऑफ द फ्लोरा टू ग्लाइड या स्लिप ओवर द अदर इन दोनों लेयर्स को आपस में आराम से अब स्लिप होने में ये मदद करता है लुब्रिकेट करने में मदद कर रहा है ये फ्लोरल फ्लूड द फ्लोरल फ्लूड कीप्स द टू लेयर्स ऑफ द फ्लोरा टुगेदर यह फ्लोरा के दोनों लेयर को एक साथ रखने में भी ये प्लोरल फ्लूड मदद कर रहा है एंड नेक्स्ट है पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग लंग में जो पल्मोनरी ब्लड सप्लाई है तो उसके बारे में देखते हैं पल्मोनरी ट्रंक कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट विच डिवाइड इन टू राइट एंड लेफ्ट पलमनरी आर्टरी जो ये कार्डियोस्कुलर सिस्ट, सिस्टम में पड़ेंगे कार्डिय हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पलमनरी ट्रंक डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है वो दो में डिवाइड होगा राइट साइड में ये राइट साइड में राइट पलमनरी आर्टोरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट पलमनरी आर्टरी इसे दो में डिवाइड हो रहा है तो देख रही डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके जा रहा है तो so, ये हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उन ब्लड को लंग्स में लेके जा रहा है ये राइट पलमन रियाट्री राइट लंग में लेके जाएगा लेफ्ट पलमन रियाट्री लेफ्ट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे एंड विद इन द लंग दीज आर्टरीज डिवाइड ये लंग के अंदर जाके वो फिर से बहुत सारे जो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है Uh, एंड देखल्स और वेन्यल के नेटवर्क बन जाते हैं जिसको कैपलरी कहते हैं तो कैपिलरीज में बन जाते हैं फाइनली दे फॉर्म है कैपिलरी नेटवर्क एक कैपिलरी नेटवर्क बना रहे हैं और कैपिलरी नेटवर्क वो एल्वियोला के चारों तरफ बना रहे हैं एलविओला के चारों तरफ, चारो तरफ आ, ब्लड वैसेल के या कैपलरीज तो एक नेटवर्क बन जाते हैं ब्लड वेसल वैसेल का एक जाल बन जाते हैं तो तीन वॉल ऑफ द एलवियला एंड द ब्लड कैपलरी आल्वियोलाई की तीन वॉल और कैपिलरी की तीन वॉल वो दे फॉर्म है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इसके बारे में भी हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था तो गैसेस एक्सचेंज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को आलवियला को दिया जा रहा है और एलवियोलाई में से ऑक्सीजन को लिया जा रहा है तो इस प्रकार से इस रेस्परेटरी मेम्बरे के बीच में एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो रहा है सो दस डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड तो ये लंग्स का ही डायग्राम है तो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल्विई है तो ये एल्वलाई का वॉल है और ये ब्लड कैपिलरी है ब्लड वेसल है तो ये ब्लड वेसल का वॉल है इन दोनों के बीच में ये इस मेमब्रेन को इन दोनों में लेयर वॉल से बना हुआ मेम्ब्राइन को रेस्पिरेटरी मेम्ब्राइन कहते हैं तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड निश्वसन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और जो श्वसन के थ्रू इंस्पिरेशन के थ्रू जो हवा लिया था उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और वो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा तो ये जो ब्लड आ रहा है वो डिऑक्सीजनेटेड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ ये एक गैसेस एक्सचेंज के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है और बॉडी में फिर से सप्लाई के लिए आगे जा रहा है तो द डी ब्लड जो है इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड तो वेन्यूल्स ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क उस कैपिलरीज uh, वो आर्टोरी आएगा आ, आ गया और आर्टीरियल्स में बन गया और उसके बाद जो वेन्यूल्स हैं और वो वेन बन के आगे बन रहा है तो यही है कैपिलरी नेटवर्क तो ये कैपिलरी नेटवर्क एल के एल के चारों तरफ रहते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वेन्यूल्स लेके जाएगा तो टू पल्मोनरी वेन्स हैं तो ये सारे जो वेन्यूल्स एक साथ मिल के वेन्स बन जाते हैं तो वैसे हर लंग से दो पल्मोनरी वेन्स बनेगा और ये दो पल्मोनरी वेन्स दो प्लस दो चार पल्मोनरी वेन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट के लेफ्ट लेफ्ट राइट एट्रियम में लेके जाए लेके आएंगे तो सॉरी राइट एट्रियम नहीं लेफ्ट एट्रीम राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सुपीरेविनकेवा और इनपीवे के थ्रू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में लेके आ रहा है तो so, इस प्रकार से ये हैं पल्मोनरी अप्लाई टू द लंग और आगे लंग्स के फिजियोलॉजी या रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे उसके बारे में तो ये था लंग्स के बारे में जो और जो लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था वो है पल्मोनरी ब्लड सप्लाई जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लंग्स में आ रहा है लंग्स के बाद यहाँ से दो वेन और यहाँ से भी दो पलम वेन तो चार वेन हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है इसके बारे में हम भी हमने डिस्कस किया